Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉपलॉस लेना कितना ज़रूरी है और क्यों इतना ज़रूरी है। देखिए, ज़रूरी का मतलब देखिए ये नहीं है कि आप हमेशा हर ट्रेड में स्टॉपलॉस जो है अपना हिट करवाए, इससे आप कहोगे कि नहीं हम लोग स्टॉपलॉस बहुत अच्छे से ले रहे। देखिए, स्टॉपलॉस लेने का बहुत ही अच्छा रीज़न है। देखिए, अगर आप बिगिनर हो, मैं बिगिनर के हिसाब से मैं बात करूँ, अगर आप बिगनर हो तो बिगनर को यहाँ पे स्टॉपलॉस का मतलब ही नहीं पता होगा कि ये स्टॉपलॉस होता क्या है, किस तरीके से यूज़ करना है। तो हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे कि अगर हम लोग स्टॉपलॉस लगाएंगे तो इसको एज ए पॉजिटिव वे कैसे लेंगे और हम लोग। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो हमारे प्रीमियम ग्रुप में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो अपस्टॉक्स और धन का लिंक यहाँ पे, दोनों में से आप किसी में भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद जो है आप हमें जो है इस फॉर्म के थ्रू में कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे आपको फुल नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करके हमें सबमिट कर देना है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। किस तरीके का अपना जो ट्रेडिंग है उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, जिसमें कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि इक्विटी में जब भी आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता कि रिस्क मैनेजमेंट होता है क्या है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया है रिस्क मैनेजमेंट का, वो आप अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप फिक्स्ड लॉस, देखिए हर चीज़ ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो मैं आपको उस चीज़ को लेके समझा रहा हूँ। तो जब आप इक्विटी में ट्रेड करते हो और इक्विटी में ट्रेड करने के बाद आप यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के बाद यहाँ पे आप फिक्स्ड लॉस डिसाइड कर पाओगे, जिसमें कि आप जो है सपोज़ अगर आप 2000 से स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग, या 5000 से स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग, या फिर चाहे 10000 से स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि आप जो है कम से कम 50 रुपये जो है स्टॉपलॉस तो ले ही सकते हो अगर हम लर्निंग पर्पस से बात करें। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारे लोग अपना पैसा बस ऐसे ही उड़ा देते हैं, जो कि कोई आपको ये चीज़ नहीं बताता है। आपको देखिए डीमोटिवेट करने के लिए ना बहुत सारे लोग बोलेंगे। मैं मान के चलता हूँ, अगर आपका जो भी कैपिटल है, चाहे वो 10000 हो, 5000 हो, अगर आप अपना कैपिटल का 1% निकाल पाते हो, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है, तो आप एक अच्छा ट्रेडर माना जाते हो। अगर आपका कैपिटल 1% भी आप ग्रो कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा है। आप सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे मंथली की अगर हम बात करें, मंथली में अगर यहाँ पे 4% भी निकाल पा रहे हो ना, बहुत है। मतलब एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपका एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यानी कि कह लीजिए 40-50% अगर आपका एक्यूरेसी आता है, चलिए मान लेते हैं 40% भी आता है, लेकिन आपको वहाँ पे टेक्निकल्स नहीं आते हैं, ट्रेंड देखना नहीं आता है, एग्जैक्ट जगह पे स्टॉपलॉस लगाना नहीं आता है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, तो अलग अलग चैप्टर होता है यहाँ पे, जिससे कि आपको एक ट्रेडिंग डिसीजन लेने में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत करे। तो इसीलिए मैं पकड़ के चल रहा हूँ 40% अगर आपका एक्यूरेसी है, मतलब 40% आप सोच रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखते हुए आप यहाँ पे बस बाय सेल ऐसे ही करते रहोगे। 40% भी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो और स्टॉपलॉस को अगर आप प्रॉपर लेते हो, तो यहाँ पे आपका डेफिनेटली कम से कम, चलो ड्रॉडाउन तो होगा बट ज़्यादा ड्रॉडाउन नहीं होगा, यहाँ पे आपका जो भी कैपिटल रहेगा वो बस आप, क्योंकि अभी सीख रहे हो ना, अब सीख रहे हो तो जो भी कैपिटल लगा, अगर मान लो कि कैपिटल का जो है 10% भी अगर चले जाता है, क्योंकि 10% बहुत ज़्यादा होता है, 10% में आपने बहुत सारे ट्रेड कर लिया होगा और आपने सीखा भी होगा कि क्यों स्टॉप लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आप जब स्टॉप लॉस लेते हो कोई भी ट्रेड का, चाहे कोई भी ट्रेड की हम बात करें, मतलब इक्विटी में चाहे कोई भी स्टॉक में, अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, आप रीज़न फाइंड आउट करते हो कि सपोज़ फॉर एग्जांपल आपने एंट्री जो है गलत जगह पे ले लिया है ना, हो सकता है आपने स्टॉप लॉस गलत जगह डाल दिया था,
हो सकता है यहाँ पे आपको ट्रेड ऐसा मिला हो जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ट्रेड ही एसएल हिट होने का, तो आपको ये अलग अलग रीज़न फाइंड आउट करना है कि क्या रीज़न है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ कि चलो मान लेते हैं कि एंट्री जो है मैंने बहुत लेट में किया या फिर मैंने बहुत जल्दी एंट्री कर लिया, क्योंकि एंट्री करने का भी एक टाइमिंग होता है, हम लोग जो है ऐसे ही कहीं पर भी नहीं घुस सकते। तो अगर यहाँ पे अगर आप समझ लेते हो कि यहाँ मैंने एंट्री बहुत जल्दबाजी में यानी कि जल्दी जल्दी में एंट्री ले लिया, इसके वजह से मेरा यहाँ पे एसएल हिट किया, तो नेक्स्ट टाइम जब अभी आप एंट्री के लिए भी सोचोगे ना, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने पहले बार जो है एंट्री का ये मिस्टेक किया था, अब मैं दोबारा ये मिस्टेक नहीं करूँगा, तो ये एंट्री वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस को अगर आपका काम करना ज़रूरी है तो आप स्टॉप लॉस देखोगे कि नहीं पहले मैंने गलत जगह पे स्टॉप लॉस, देखिए अगर आपने देखा होगा कि कई सारे लोग क्या कहते हैं कि मेरा एसएल हिट करता है उसके बाद प्राइस वहां से मूव करना स्टार्ट करता है, तो यहां पे आपको एसएल पे काम करना है कि आपने एसएल पे जहां पहले रखा था वहां पे क्यों रखा था, किस रीजन से रखा था। अब अगली बार अगर आपको ऐसा सेटअप मिलता है तो मैं वहां पे एसएल जो है थोड़ा सा नीचे रखूंगा, ये चीज़ें होती है एसएल, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट, अगर मान लेते हैं कि मार्केट डाउन है, एकदम डाउन चल रहा है, और यहां पे आप जो है बाय के लिए कोई भी स्टॉक पे रेडी हो रहे हो और मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो भी एक एसएल होता है। तो एक एक चीज़ को आपको नोटिस करना है, ये कोई भी चीज़ आपको कोई भी ट्रेडर नहीं सिखा सकता है, ये चीज़ें आपको खुद सीखनी पड़ेगी कि कैसे हम लोग को ये सारी चीज़ें एसएल का जो पार्ट है हम लोग को कैसे काम करना है, चाहे क्या हम लोग का एंट्री में गड़बड़ हो रहा है, क्या हम लोग को एसएल जहां रखते हैं क्या वहां पे गड़बड़ हो रहा है, या फिर मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है इसकी वजह से मेरा एसएल हुआ, ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। और भी बहुत सारी रीज़न है, ये आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे कि सेक्टर भी एक रीज़न हो गया और न्यूज़ भी एक न्यू रीज़न हो गया, बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे, तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि देखिए वो समझते हैं कि बस एसएल को कहीं पे भी रख देने से हमारा जो है काम बन जाएगा, और यहाँ पे जो भी एसएल हमारा बनता है बस चलो ठीक है एसएल हो गया, मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा था या फिर लक साथ नहीं देता था। लक यहाँ पे देखो दोस्तों कुछ भी मैटर नहीं करता, लक 1% का काम नहीं है यहाँ पे। जब तक आपके इसके ऊपर एजुकेशन नहीं होगा, लर्निंग नहीं होगा या फिर नॉलेज नहीं होगा, ये लक फैक्टर तो मैं बिल्कुल ही नहीं मानता हूँ। अगर आपने देखा होगा मेरे जो एनालिसिस है SBI के हो गए, वो भी एग्जैक्टली 535 के लेवल से चल गए, क्यों हम लोग का एसएल भी हिट नहीं किया, वहाँ पे हमें 1:3 का टारगेट दिया। और भी स्टॉक है जैसे आईवोल हाउसिंग फाइनेंस, जो कि मैंने आपको बहुत 115 के आसपास से आपको मैं सजेस्ट करते आ रहा हूँ, वो भी अभी आप देख सकते हो 200 के आसपास चला गया विदाउट एनी हिटिंग एनी एसएल। GMR इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे वो भी मैंने डाला हुआ था, वो भी बिना एसएल, जो कि 40 रुपये में मैंने आपके साथ शेयर किया था, अभी 60 चला गया, वो भी बिना एसएल हिट किया। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या गलती हो रहा है, कहाँ पे क्या गलती नहीं हो रहा है। तो ये एसएल आपको लग रहा होगा कि हाँ ये छोटा सा टॉपिक है, स्टॉप लॉस कह लीजिएगा और स्टॉप लॉस हो गया, बट इसके पीछे इतना रीज़न है कि हम लोग जो है इसके पीछे नहीं जाते हैं कि क्या हो सकता है। जब आप इस रीज़न को पहचानोगे और एक एक चीज़ को सॉल्व करते जाओगे, तो ये एसएल वाला पार्ट जो है आपका कभी भी, जब भी आप ट्रेड करोगे कभी भी गलती नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग दे के गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस तरीके का इंपॉर्टेंट जो वीडियो है मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे जो चार्ट है मैं ट्विटर पर भी शेयर करते रहता हूँ, तो अगर आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।